पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दा मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, वे है जनसंख्या नियंत्रण कानून का। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा तैयार कर दिया है। विश्व जनसंख्या दिवस पर आए इस ड्राफ्ट बिल पर देश में तरह तरह की बहस छिड़ गई है। इस मुद्दे के बीच कुछ जरूरी मुद्दे धीरे धीरे गायब होते भी दिखाई दे रहे हैं, वे हैं महंगाई, बेरोजगारी। अगर जनसंख्या कानून को लेकर चर्चा करनी शुरू करें तो जनसंख्या को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के कुछ बयान हैं, जिनमें वे जनसंख्या को अवसर बता रहे हैं। आप मोदी जी के न्यूयॉर्क में दिए ये बयान सुनिए। दूसरी ताकत है डेमोग्राफिक डिविडेंड। जिस देश के पास 35 से कम उम्र के 65% नौजवान हो, इससे बड़ा उस देश को क्या चाहिए, इससे बड़ी क्या संपदा हो सकती है। और तीसरी बात डिमांड। पूरा विश्व भारत की तरफ नजर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है 125 करोड़ का देश है, बहुत बड़ा बाजार है, बहुत ज्यादा डिमांड है। ये तीनों चीजें किसी एक देश के पास हो, ऐसा आज दुनिया में कहीं नहीं है। और इसी सामर्थ्य के आधार पर, इसी सामर्थ्य के आधार पर, इसी शक्ति के भरोसे भारत नई ऊंचाइयों को पार करेगा, ये मेरा विश्वास है। मार्च 2018 में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 125 करोड़ की आबादी का देश अगर ठान ले तो कोई चुनौती मुश्किल नहीं है। दुनिया की कोई भी चुनौती इस देश के 125 करोड़ लोगों की इच्छा शक्ति और श्रम शक्ति से कतई बड़ी नहीं है। जहां 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम उम्र की हो, जहां पर डेमोग्राफिक डिविडेंड का इतना विस्तार हो, उस देश के लोग ठान ले तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। वहीं 2019 में एक प्रोग्राम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भारत की आबादी को उसकी ताकत बता रहे हैं। साथियों, हमारे पास डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डिमांड, इसका डिविडेंड है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है। हमारे युवाओं की महत्वाकांक्षाएं सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर उनकी ललक हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे में हमें साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को जनता से जोड़कर उन्हें समाज की आकांक्षाओं और जरूरत के अनुरूप बनाना हो। प्रधानमंत्री मोदी के बयानों से यह साफ है कि भारत की आबादी उसकी ताकत है, अवसर है। हमने ये बयान इसलिए सुनाए क्योंकि उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की बात क्यों नहीं हो रही? एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी जनसंख्या को अवसर बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ योगी जनसंख्या को अवसर नहीं मानते। पूरी दुनिया के अंदर एक विषय को लेकर के समय-समय पर चिंता व्यक्त की गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए, उसके यहां सकारात्मक परिणाम के सामने देखने को मिले हैं। लेकिन फिर भी इसमें और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर अधिक जानकारी वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम के जरिए दी है। उन्होंने इस मुद्दे से भटकने को लेकर कई बात कही। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के कारण लोग भोजन और दवा पर कम खर्च करने लगे हैं। महंगाई के इस मुश्किल दौर को ठीक से दर्ज नहीं किया जा रहा है। आखिर सरकार इस पर बात क्यों नहीं कर रही है? देश को पिछले साल की तरह
सुशांत सिंह राजपूत के जैसे फर्जी मुद्दे की तलाश है, जिसे लेकर गोदी मीडिया 3 महीने तक बहस करता रहे। जब तक ऐसा मुद्दा नहीं आ जाता है, तब तक मंत्रिमंडल विस्तार तो कभी आबादी नियंत्रण से काम चलाया जा रहा है। क्या आपने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर नए पेट्रोलियम मंत्री को लगातार बोलते सुना है? पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर जैसे सरकार ने बात न करने का मन बना लिया है, उसकी जगह आबादी नियंत्रण का मसला लाया जा रहा है कि जनता रसोई और रोजगार की बात छोड़कर जनसंख्या पर बात करने लगे कि सरकार भी कितना करेगी। किया तो बहुत कुछ है, लेकिन आबादी इतनी है कि कम पड़ गया है। बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चला रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, उनकी नजर में कानून बना देने से जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो किया वह उसका अधिकार है, लेकिन उन्हें लगता है कि सिर्फ कानून बनाने से किसी को बच्चे पैदा करने से नहीं रोका जा सकेगा। जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है जी। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, एक से दो किया, अब दो के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। अब आप इस कानून के बारे में और भी कुछ जान लीजिए। इस कानून के मुताबिक राज्य में 2 से अधिक बच्चों को माता पिता के स्थानीय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकर व लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ नहीं लेने दिए जाएंगे। नियोजन के तरीके अपनाने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जैसे अगर बीपीएल परिवार एक बच्चे के बाद नसबंदी करा लेता है तो उसे 1,00,000 रुपए एक मुश्त दिया जाएगा। ग्रेजुएशन तक बच्चे की पढ़ाई और इलाज राज्य सरकार के जिम्मे हो जाएगी। बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में दाखिले के दौरान वरीयता दी जाएगी। एक ही संतान होने पर प्रोत्साहन ज्यादा होगा। एक और बिंदु है कि इसमें कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं रखा गया। जो व्यक्ति बातों को नहीं मानेगा उससे प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, बस यही मूल फॉर्मूला है। राष्ट्रीय जनता दल, RJD और AIIM जैसे राजनीतिक दलों के साथ साथ कई मुस्लिम संगठन और नेता यूपी सरकार की जनसंख्या नीति के खिलाफ आ गए हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों तक का कहना है कि ये मुसलमानों को लक्ष्य करके लाया जा रहा है। कुछ नेता इसे उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। उधर कांग्रेस के दिग्गज नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने योगी सरकार के मंत्रियों से अपने अपने संतानों की संख्या बताने की मांग कर डाली है। पहले एक सूचना देने के लिए कि हमारे मंत्रियों के कितने बच्चे हैं, और ये भी बता दें वैध और अवैध बच्चे हैं, ये भी बता दें। इन सारी बहसों के बीच यूपी जैसा कानून ही राष्ट्रीय स्तर पर लाने की मांग भी उठ रही है। बीजेपी के लोकसभा सांसद रवि किशन ने सदन में निजी विधेयक पेश करने की बात कही है। रवि किशन के खुद 4 बच्चे हैं। यूपी विधानसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि भाजपा के 304 में से 152 विधायकों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं। बताया जा रहा है इनमें से कुछ विधायकों के 4, 5 और 6 बच्चे भी हैं। सिर्फ 103 ऐसे विधायक हैं जिनके 2 बच्चे हैं और मात्र 34 विधायकों की इकलौती संतान है। भले ही मीडिया बढ़ती महंगाई पर बात न करे, पर जनसंख्या का मुद्दा आते ही मीडिया ने इस पर लगातार डिबेट करनी शुरू कर दी है। एक नहीं, लगभग हर चैनल पर इसी मुद्दे पर डिबेट होती दिखाई दे रही है। सवाल है कि क्या यूपी में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनने से योगी को फायदा होगा? उत्तर प्रदेश को मान लीजिए, अगर भारत से अलग होता तो आज दुनिया का 5वां बड़ा देश होता। यह है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, जी हाँ, जनसंख्या विस्फोट के नियंत्रण के लिए। बढ़ती हुई जनसंख्या एक बड़ी समस्या तो है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, वो तो समूचे देश की स्थिति ऐसी है। इसलिए यदि आप 1 से 2 बच्चे रखते हैं तो आपको बम्पर डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपके बच्चे 2 से ज्यादा होते हैं तो सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी, साथ ही साथ आप चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। सियासत मेहरबान तो जनसंख्या नीति हिंदू मुसलमान, यूपी सरकार ने जनसंख्या नीति का ऐलान किया है। सस्ता लोन मिलेगा, सस्ता प्लॉट मिलेगा, साथ ही साथ आप अगर सरकारी नौकरी में है तो आपको इंक्रीमेंट भी दिए जाएंगे। कि 2 ही बच्चे तो यूपी में दिन अच्छे, क्या जितने ज्यादा बच्चे वोट के लिए अच्छे। क्या जनसंख्या नियंत्रण को चुनावी नजरिए से हल करने की कोशिशें हो रही हैं? आबादी बेहिसाब ना बढ़े तो किसी चीज की कमी ना हो। जरा हम भी जाने कि पॉपुलेशन कंट्रोल पर समाजवादी पार्टी की क्या नीति है। खैर, इस मुद्दे पर अभी भी चर्चा जारी है और देखते हैं कि इस पर आगे क्या देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.